नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का डेमोक्रेटिक वायर में और आपके साथ मैं हूँ महक। डेमोक्रेटिक वायर की चुनावी यात्रा के दौरान आज हम पहुँचे हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में और ठीक पीछे मेरे यहाँ पे झूला देवी का मंदिर है जिसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। ये माँ दुर्गा का मंदिर है, यहाँ मतलब ये 700 यहाँ लोगों के अनुसार ये जो है ये 700 साल पुराना मंदिर है और लोगों की आस्था के मुताबिक कि यहाँ जो ग्रामीण जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है जंगली जानवरों का काफ़ी खौफ रहता था लोगों में, तो घर से बाहर नहीं निकलते थे। फिर एक दिन लोगों की आस्था के मुताबिक बता रही हूँ मैं कि उनका कहना है लोगों का कि यहाँ पे जो है किसी ग्रामीण किसी के सपने में आई थी माँ दुर्गा। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक जगह बताई थी, वहाँ खुदाई करने को कहा था और जब उसने खुदाई वहाँ की तो वहाँ माँ दुर्गा की जो है वो मूर्ति निकली जिसे यहाँ झूले पर स्थापित किया गया। बोलने का उनका मतलब है आस्था के अनुसार कि जब यहाँ पे माँ दुर्गा की जो मूर्ति है स्थापित की गई उसके बाद जो है यहाँ जानवरों का खौफ जो है ख़त्म हो गया। और लोगों की आस्था के मुताबिक ये भी है कि यहाँ पे जो शेर है वो माँ दुर्गा की रक्षा करते हैं। जो ग्रामीण लोगों को आज तक का रहा है रिकॉर्ड कि ग्रामीण लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया है। जितना इतिहास हमें पता था वो हमने आपको बता दिया, बाकी हम आपको झूला देवी मंदिर के पंडित जी की जुबानी ही सुनाएंगे। हमारे साथ यहाँ पे झूला देवी मंदिर के पंडित जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ झूला देवी मंदिर की क्या आस्था है, यहाँ लोग क्यों इसको मानते हैं, ये हम आपको इन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। सबसे पहले पंडित जी अपना नाम बताएं। मैं भुवन चंद्र पंत हूँ और आजकल मैं पंडित पुजारी हूँ। आप यहाँ पे काफ़ी समय से होंगे, आप हमें इस मंदिर के बारे में यहाँ की पूरी आस्था इतिहास पूरा बता दीजिए। हाँ, मैं इस मंदिर की पूरी यात्रा के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक गांव है पिलखोली, यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के पास है। आज से 700-750 साल पहले यह जो आज की व्यवस्था है सरकारी व्यवस्था वैसी नहीं थी, यह ज़मीन पिलखोली गांव के अंतर्गत आती थी। तो वो लोगों ने यहाँ पर आते थे और अपने गाय चुगाने के लिए आते थे, घास लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए आते थे। जो यहाँ पर गाय और बच्चियाँ यहाँ जो चुगाने आते थे तो उनको बाघ का यहाँ बहुत डर था, खौफ था। तो कहते हैं कि मैया ने उनके एक बुज़ुर्ग को एक एहसास दिलाया, एक ऐसा सपना दिखाया, जैसे माँ ये कह रही हैं कि इस एरिया में मेरी एक मूर्ति पड़ी है, आप उसको स्थापित कर दो तो आपका बाघ का भय कम हो जाएगा। तो आए वो लोग यहाँ आए, उनको यहाँ पर एक पिंड रूप में एक पाषाण की पिंड रूप मिला, उन्होंने उसको यहाँ पर स्थापित कर दिया। और जब जब भी यहाँ पर वो आते धूप दिया कर देते और हाथ जोड़ के चले जाते। जब वो लोग अपनी गाय यहाँ चुगाने के लिए आते थे तो वो लोग यहाँ झूला खेलते थे क्योंकि दिन में उनके पास बहुत टाइम था। तो मैया ने फिर उन एक बुज़ुर्ग को फिर से एक अपना रूप दिखाया और बोला कि मैं आप लोगों के साथ रहती हूँ, आप लोग झूला खेलते हो, मुझे भी झूले में रखो, मुझे भी झूला खेलना है। तो मैया का नाम झूला देवी हो गया और ये पूरी एरिया का नाम झूला देवी हो गया। अब ये चलता रहा। इस मंदिर में कोई राजा वाजा उनका कोई योगदान नहीं था, ये मंदिर पिलखोली की कुल देवी होके रही, काफ़ी दिन तक वो रहती चली गई। बाद में यहाँ पर अंग्रेज़ लोग आए, अंग्रेज़ लोगों ने ये एरिया कैंट में परिवर्तित किया और ये लगभग 1 एकड़ का एरिया उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को दे दिया और बोला कि ठीक है, ये आप मंदिर आपका है, आप आराम से अपना पूजा करते रहो। अब धीरे धीरे कैंट एरिया डेवलप हुआ तो मंदिर भी डेवलप हुआ। मंदिर जब डेवलप हुआ तो यहाँ पर कुछ आय भी आने लग गई। आय जब आने लगी तो पिलखोली गांव में उन्होंने कहा भाई हम लोग पंडित पिलखोली के ही हैं, उन्होंने कहा भाई एक आदमी आप वहाँ रह लो, मैया की देखरेख भी कर लोगे और आपको आय भी हो जाएगी, आपका काम भी चलता रहेगा। तो हम में से एक हमारे बुज़ुर्ग यहाँ आ गए और यहाँ पर उन्होंने पुजारी का काम करना शुरू कर दिया। अब ये जैसे जैसे मंदिर बढ़ता चला गया
त्यों त्यों बिल्डिंगें बड़ी बनी। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको ये बताऊँ, उत्तराखंड में एक व्यवस्था है, व्यवस्था ये है कि गाँव के जितने भी मंदिर होते हैं, छोटे मंदिर होते हैं, कोई लोकल मंदिर होते हैं, इष्ट देवता के मंदिर होते हैं, भूमदेव के मंदिर होते हैं, चौमुह मीन्स चार मुंह वाले ब्रह्मा जी का मंदिर होता है, कल्विष्ट जैसे कल्विष्ट मंदिर भी है, वो लोकल देवता हैं, उनका भी मंदिर है। तो जब परिवार अच्छी तरह चलता है, बिल्कुल शांति रहती है, उनके वंश में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और चारों ओर से पैसा वैसा आता रहता है, तो साल दो साल चार साल में लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं और यादगार के लिए वहाँ पर एक घंटी लगा देते हैं। अब अगर वो मंदिर जितने भी होते हैं, वो छोटे छोटे कहीं टीले वगैरह पर बने होते हैं, एक ने घंटी रखी, दूसरा कोई आया ले गया, तो वो बढ़ नहीं सकती। अब यहाँ पर पुजारी एक हो गए, तो उन्होंने जितनी घंटी आननी शुरू की, उनको करीने से रख लिया। अब धीरे धीरे वह विश्वास, आज की तिथि में यह विश्वास है, धीरे धीरे परिवर्तित हो गया हो कि आप यहाँ पर आ रहे हो और आपका कोई काम रुका हुआ है, तो माँ से विनती करना है कि माँ मेरा काम हो जाए, मनोती मांगनी है। जब वो काम हो जाता है तो आप फिर आते हो, पूजा करते हो और यादगार के लिए घंटी लगा देते हो। अब ये आज का ये विश्वास यहाँ पर हो गया है। अब ज्यों ज्यों ये यहाँ सड़कें बनी, दोनों ओर मिलिट्री, चौबटिया रानीखेत मिलिट्री वाले आए, और अब ये टूरिस्ट प्लेस हो गया है, तो लोग जितने भी बाहर से आते हैं, रानीखेत आएंगे तो उनको जुलादेवी मंदिर में ले आएंगे, वो तो ज़्यादा लोग आते हैं, आदमी की सबकी फितरत है, कुछ ना कुछ तो रुका रहता है, तो उनको एक आत्मबल मिलता है, माँ से एक आत्मबल मिलता है और फिर दुगनी अपने जोर से उस जो उनका गोल था उसको फिर से उसका परस्यू करते हैं और वो हो जाता है, और फिर आके मैया के धन्यवाद के तौर पर पूजा करके घंटी लगा देते हैं। यह पूरा मंदिर का वृतांत मैंने बता दिया है। जैसे ये भी मानना है कि माँ की जो रक्षा है, माँ दुर्गा की, वो शेयर करते हैं, कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, इसमें अगर आप ये दो चीज़ें आप ला रही हैं, एक तो ला रही हैं फिजिकल चीज़ और एक ला रही हैं आस्था वाली चीज़। जहाँ तक अगर आप मुझसे ये कहें कि शेर यहाँ पर रखवाली और फिजिकली आप मेरे से पूछेंगे, मैं कहूँगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये आस्था की बात जहाँ पर है, यहाँ इस एरिया में बाघ आते ही रहते हैं और यहाँ पर ही मिलते हैं सामने। अभी 10-15 दिन पहले यहाँ पर से कुत्ता उठा लिया, बाघ हो जाता है कुछ उनको चाहिए। यहाँ के लोगों की ये भी मान्यता है ना कि वो जो बाघ है वो आम जनता, यहाँ के ग्रामीणों को कुछ नहीं करते। आज तक जनता पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी आदमी के ऊपर अभी तक नहीं हुआ है ऐसा कुछ भी, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। के तौर पर ठीक है, लेकिन फिजिकली नहीं। फिजिकली मैं नहीं कह सकता ना, आप मेरे से बोलेंगे कि वो आत्मा, तो फिर कल आप कहेंगे वो दिखाओ भाई कहाँ पर है, वैसा मैं नहीं कह सकता। तो यहाँ पे तकरीबन दिन के हिसाब से लगा ले, क्योंकि ये मान्यता भी है कि नवरात्राओं में यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है लोगों की, मतलब आप दिन के हिसाब से तकरीबन कितने लोग आते होंगे दिन में? देखिए, इस ये थोड़ा सा दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपने पूछ लिया। जब भी वो करता है, जैसे आज है, अब मौसम पर डिपेंड करता है, एक दूसरा ये है कि भाई कौन से दिन है, जैसे शनिवार इतवार को ज़्यादा लोग आएंगे और दिन नहीं आएंगे। फिर अब जैसे कल से नवरात्रि हैं तो नवरात्रि में लोग आएंगे, कल ज़्यादा लोग आएंगे। अब इतने काउंटिंग करके तो मुश्किल है मेरे को बताना, लेकिन कल ज़्यादा आएंगे, फिर पंचमी को आएंगे, हाँ आएंगे, वो भी प्रथमा को आएंगे, प्रतिपदा को आएंगे, फिर पंचमी को आएंगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर अष्टमी को आएंगे, नवमी को आएंगे, इन दिनों ज़्यादा आएंगे। कुछ लोग रोज आएंगे, अपनी अपनी आस्था है। अब अगर नंबर आप बताएंगे तो मौसम अच्छा रहा तो 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं। बीच में जन्माष्टमी के दिन यहाँ मेला होता है, उस दिन हजारों आते हैं, तो
इसको एग्जैक्टली एक दिन ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं रखा हमने रजिस्टर कितने लोग आए करके। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ झूला देवी मंदिर के पंडित जी, जिन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में स्टार्टिंग से अब तक पूरी इतिहास बताया, आस्था बताई, सब कुछ बताया। ऐसे ही हम आपको ऐतिहासिक जगहों के जो भी उत्तराखंड में पड़ती हैं, हम आपको उसके बारे में बताते जाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे।